नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, नवंबर पेपर है, तो इसका जो वनरक्षक बनने का अभियान है वो हमारा आज से चालू हो रहा है। दोस्तों मैं आपको कल से लगभग 1500 एमपी के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि उससे बाहर आपका नहीं जाएगा जो जीके है वो। तो दोस्तों काफ़ी लेट हो गया हूँ आज जंगल से आने में, लेकिन क्या कर रहे हैं, वनरक्षक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ देखिए आप इस बार वनरक्षक बन जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज। जैसे आप कुछ स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं कि सर मेडिकल कैसा होता है, तो देखिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेडिकल जो आर्मी जितना टफ तो नहीं होता, अच्छा होता है लेकिन आर्मी जितना टफ नहीं होता, आराम से हो जाएगा। फिजिकल आपको चलना है 25 किलोमीटर पैदल, पैदल आप डेली चलते हो वही समझ लीजिए कि फिजिकल है आपका, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज तक कोई फिजिकल में फेल नहीं हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फेल वही हुआ फिजिकल में जो फिजिकल देने ही नहीं गया, ठीक है। तो ये तो फिजिकल रिगार्डिंग दोस्तों बात हो गई है। और एमपी का हम चालू करने वाले, इससे पहले कुछ मेरे साइंस के कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं, कुछ मैथ के लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हो चैनल पर। लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके उन वीडियो को, मैथ के और साइंस की वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों एक कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि सर इंग्लिश कहाँ से करें, क्योंकि हम लोग जो होते हैं मेनली होते हैं दोस्तों बहुत लोअर क्लास फैमिली से या मीडियम क्लास फैमिली से होते हैं, तो इंग्लिश हमारी सबकी वीक होती है। तो देखिए इंग्लिश के बारे में बता देते, तो आपको इंग्लिश में आपको टेंसेस करने, सबसे पहले आपको टेंस कंप्लीट करने की, टेंस उनके एल्बम्बर वगैरह ये सब आपको मुझे लगता है कि आता होगा, नहीं होता आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव नरेशन की ग्रामर के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा उसमें हार्ड है नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं टॉपिक बता दूंगा कि आपको इस इंग्लिश में पहले ये टॉपिक पढ़ना है, फिर ये टॉपिक आपको बता दूंगा, आपको उसी हिसाब से पढ़ना है इंग्लिश को। और सारे सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश मैथ जी के साइंस 5 सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों मेरा वीडियो आ जाएगा कल। तो चूँकि आज जंगल से आने बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं आज नहीं बना पाया वीडियोज़, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी आपको हेल्प करेगी। और दोस्तों स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम 2-3 में 4 महीने में कैसे पेपर निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैंने 7 दिन में पेपर निकाला था, और मेरी स्ट्रेटेजी की दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोपहर में वीडियो बनाऊंगा कल, उसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने 7 दिन में कैसे पेपर निकाला। लेकिन वो मैंने जब निकाल पाया, जब मेरी पहले से तैयारी थी, मैं पहले से अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करता आ रहा था। तो आप भी दोस्तों अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा 10 एग्जाम से 15 दिन पहले कि आपको उसको पीक करना होगा, उसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा, उसको आपको मैं बताऊंगा दोस्तों स्ट्रेटेजी, वो एग्जाम से 15 दिन पहले बताऊंगा कि आपको एकदम से आप क्या करो कि बहुत शानदार तरीके से दोस्तों आप उसको रिकॉल कर पाओ एग्ज़ाम में। तो बड़ी सही दोस्तों, मैं वनरक्षक आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार ये जो वर्दी है मैं आपके बदन पर भी देखना चाहता हूँ। और यदि आप भी ऐसा चाहते हो कि आपको इस बार वर्दी लगे, तो बस मेहनत करती रहिए। मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ गाइड, कुछ ना कुछ एडवाइस और कुछ ना कुछ आपको प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों मैं आपको टीचिंग तो करूँगा ही दोस्तों, जिससे आपको कुछ बहुत अच्छे तरीके से हेल्प मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।